हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टूडेंट्स, उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि ये एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अगर पॉलीनोमियल नहीं है या पॉलीनोमियल है तो आपने उसका रीजन भी बताना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4x² - 3x + 7। हमने इंट्रोडक्शन में किया था पॉलीनोमियल की डेफिनेशन। तो पॉलीनोमियल देखने के लिए आपको क्या देखना होता है, जो वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल क्या है हमारा x, उसकी पावर्स को देखना होता है। वेरिएबल की हर पावर अगर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलीनोमियल होता है। तो यहां पे वेरिएबल क्या है हमारा x, यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 2, और दोनों होल नंबर हैं। तो होल नंबर है, होल नंबर का आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर्स। यहां पे वेरिएबल x की हर पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलीनोमियल है। तो आप लिखेंगे इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही है, कौन सा है हमारे पास x। रीजन लिखेंगे सिंस ईच पावर ऑफ वेरिएबल x इज अ होल नंबर। जो वेरिएबल x की हर पावर क्या है, होल नंबर है। सिंस ईच पावर ऑफ वेरिएबल x इज अ होल नंबर, ये रीजन होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको। इंट्रोडक्शन में ही बताया था मैंने, जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे रूट में होता नंबर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या पॉइंट में होता। ये जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्स्टेंट हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, ये हमारे पॉइंट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है, पावर होल नंबर होनी चाहिए। सेकेंड, y² + √2। यहां पे रूट टू नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने वेरिएबल की पावर को देखना है। यहां पे वेरिएबल y है, उसकी पावर क्या है, होल नंबर। तो आप कहेंगे इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ एक ही है, y है, यहां पे इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलीनोमियल क्यों है, रीजन सिंस ईच पावर, पावर ऑफ y, एक ही पावर है यहां पे, पावर ऑफ y इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट, 3√t प्लस t इंटू रूट टू। अब यहां पे देखें, यहां पे जो वेरिएबल t है उसकी पावर कितनी है 1, ये तो होल नंबर है, बट यहां पे t की पावर, रूट का मतलब पावर 1/2, और जो पावर 1/2 है ये कैसा नंबर है, होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो ये पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ये नंबर हमारा रूट में हो सकता है, यहां से फर्क पड़ा है, ये पॉलीनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे टी की पावर होल नंबर नहीं है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल सिंस, रीजन सिंस कि क्योंकि हर पावर जो वेरिएबल की है वो होल नंबर नहीं है। सिंस ईच पावर ऑफ वेरिएबल टी इज नॉट ए होल नंबर। फोर्थ पार्ट, y प्लस
टू बाई वाई। देखिए यहां पे जो यहां पे वेरिएबल है सेकंड टर्म में वाई, जब ये डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में जाएगा, इसकी नीचे जो पावर है पॉजिटिव है वन, और न्यूमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी पावर। तो वाई की जो पावर है वो हमारी होल नंबर नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे तो y की जो पावर है वो होल नंबर नहीं होगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सिंस ईच पावर ऑफ वेरिएबल y इज नॉट अ होल नंबर। समझ आ गया नहीं, कि हम इसको जब ऐसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू वाई प्लस टू, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये नीचे पावर क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या बन जाएगी माइनस की बन जाएगी ना, तो ये जो पावर है वाई की माइनस वन ये होल नंबर नहीं है। फिफ्थ पार्ट, एक्स रेज़ द पावर टेन। अब देखिए यहां पे वेरिएबल कितने हैं हमारे, तीन है x, y, t, और तीनों की जो पावर्स हैं, हर वेरिएबल की पावर देखनी होती है हमें, और तीनों पावर्स क्या है हमारी होल नंबर 10, 3, 50, होल नंबर है तीनों पावर्स, तो ये पॉलिनोमियल है। बट ये तीन वेरिएबल्स में है, हमें किस में बताना है, वन वेरिएबल्स में, तो हम लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन थ्री वेरिएबल्स। ये एक वेरिएबल में नहीं है, ये कितने वेरिएबल्स में, तीन वेरिएबल्स में, बट इन थ्री वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। इस क्वेश्चन के चार पार्ट दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में टू प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स की स्क्वायर का आपने कोफिशिएंट निकालना है। देखिए किसी का भी आपने कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे देखिए 2 प्लस एक्स की स्क्वायर और प्लस एक्स, इसमें हमने निकालना है एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स की स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। यहां पर नंबर क्या है, वन, क्योंकि वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा x की स्क्वायर ही रहेगा, तो इसका मतलब x की स्क्वायर के साथ नंबर क्या समझ सकते हैं, हम 1, तो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। सेकंड में 2 माइनस x की स्क्वायर प्लस x की पावर 3, यहां पे कोफिशिएंट देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर, इसका मतलब यहां पे हमारा 2 माइनस x की स्क्वायर प्लस x की 3 है, तो x की स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, ये माइनस वन है, क्या है यहां पे वन समझ सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स की स्क्वायर ही रहेगा, तो यहां पे कोफिशिएंट कितना, एक्स की स्क्वायर का माइनस वन। थर्ड पार्ट, पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे कोफिशिएंट एक्स की स्क्वायर का, एक्स की स्क्वायर के साथ जैसे कि मैंने बताया है, जिसका भी आप कोफिशिएंट निकाल रहे हो उसके साथ नंबर देख लो कौन सा है मल्टीप्लाई, तो एक्स की स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई है, पाई बाई टू, तो एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कितना है हमारा, पाई बाई टू है। रूट टू एक्स माइनस वन, एक्स की स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है इसमें, एक्स की स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, इन तीनों में एक्स की स्क्वायर की टर्म थी तो हमने कोफिशिएंट बता दिया, अब यहां पे एक्स की स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है तो इसका मतलब एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा।
जिसका भी आप कोफिशियंट निकाल रहे हो अगर उसकी टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशियंट जीरो है, ये ध्यान रखना। अब जीरो कैसे है इस चीज को आप समझें, रूट टू एक्स माइनस वन, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट टू एक्स माइनस वन प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ समझने के लिए है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना आपने क्या है एक्स की स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है जीरो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो ही रहेगा, और जीरो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स की स्क्वायर से तो जीरो ही रहेगा। जीरो को एक्स की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे एक्स की स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए। तो एक्स की स्क्वायर के साथ देखो अब मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है, जीरो मल्टीप्लाई है, तो एक्स की स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है जीरो है। स्टूडेंट्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपने एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं इसके बारे में, फिर भी एक बार फिर मैं याद दिला देता हूं आपको। इसके लिए पता होना चाहिए आपको टर्म्स क्या होती हैं। सपोज 3x²-5x+7 इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए टर्म्स क्या होती हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसके अंदर तीन टर्म है, टर्म देखिए जब तक प्लस माइनस नहीं आ जाता तो अगली टर्म स्टार्ट नहीं होती। जैसे यहां पे पहली टर्म है हमारी 3x², इसके बाद क्या आ गया माइनस आया ना, तो इसका मतलब दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई, तो 5x दूसरी टर्म है, और फिर प्लस आ गया फिर इसका मतलब तीसरी टर्म आ गई। जब तक प्लस माइनस नहीं आता तो नेक्स्ट टर्म अगली टर्म स्टार्ट नहीं होती। तो इसके अंदर कितनी टर्म है, तीन टर्म। तो बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं अभी बता रहा हूं मैं आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म होती हैं, किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म है। टर्म के बेस पे जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 7x, इसके अंदर कितनी टर्म है एक ही टर्म है, तो ये किसका एग्जांपल है, मोनोमियल का। बाइनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल के अंदर, बाई का मतलब टू, दो टर्म हो, जैसे 7x+2 कितनी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 8x-9 तो कितनी टर्म है, दो टर्म है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म हो, तीन टर्म, जैसे कितनी टर्म है, तीन, कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं कितनी टर्म है, टर्म के बेस पे तीन टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो पता होना चाहिए आपको ये, और डिग्री के बारे में पता होना चाहिए, डिग्री क्या होती है, डिग्री जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दो, तो इसकी डिग्री दो है। जैसे मैंने ये लिखा 3x⁴+x⁵, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो x है वेरिएबल उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री 5 है, तो ये डिग्री होती है। अब आपको पता लग गया डिग्री क्या होती है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए एग्जांपल दे रहा बाइनोमियल का डिग्री 35। डिग्री 35 का मतलब है जो वेरिएबल की जो पावर है आपने वो 35 बनानी है। तो फॉर एक एग्जांपल हो गया हमारा बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35, एक्स की पावर 35, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ दो टर्म लिखनी है क्योंकि बाइनोमियल लिखना है, तो आप कुछ भी लिख दें, 7 लिख दिया मैंने, और भी
कितने ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल देना था हमने, जैसे फोर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं, वाई की पावर 35 यहां पे लिख दिया मैंने 7 और प्लस वाई। कितनी ड्रम है इसके अंदर, दो ड्रम है, और जो डिग्री है वो कितनी है 35 है डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 35 है, तो इसका मतलब डिग्री इसकी कितनी है 35। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का, मोनोमियल यानी कि एक ही ड्रम, एक ही ड्रम मैं लिख देता हूं 4x की पावर 100, ये मोनोमियल है, एक ही ड्रम है, 4 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है, आसान सा हो जाएगा आपके पास। ये कैसा है हमारा मोनोमियल, और जिसकी डिग्री कितनी है 100। अब आपको समझ में आ गया होगा डिग्री क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। आपने डिग्री लिखनी है, आपने डिग्री बतानी है, फर्स्ट इसकी डिग्री कितनी है, जो वेरिएबल एक्स है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री हम कितनी कहेंगे 3 है। सेकंड, जो यहां पे वेरिएबल है वाई है और इसकी जो पावर है कितनी है 2 है, तो इसकी हम डिग्री कितनी कहेंगे 2। थर्ड में वेरिएबल यहां पे कितना है टी, और इसकी जो पावर है 1 है, तो डिग्री कितनी है इसकी 1। अब इसको समझना जरूरी है कांस्टेंट पॉलीनोमियल, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ये हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, यानी कि जिस पॉलीनोमियल में सिर्फ एक ही नंबर होता है कांस्टेंट, जीरो को छोड़ के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20 ये हमारे क्या है कांस्टेंट पॉलीनोमियल, और कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री 0 होती है भाई। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसके साथ वेरिएबल देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो अब देखो इसके साथ जो वेरिएबल है 1 को मैंने क्या लिख दिया x की पावर 0, अब वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 0 हुई। कोई भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो 3 हो 4 हो, जैसे यहां पे 3 की बजाय लिखा होता 10, तो तब भी आप क्या लिखते इसकी डिग्री कितनी है 0 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। हमने बताना है कि कौन सा पॉलीनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलीनोमियल है। इसके बारे में हम लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं दोबारा फिर बता देता हूं ये क्या होता है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। जो पॉलीनोमियल्स हैं डिग्री के बेस पे कि किस पॉलीनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो किस टाइप का पॉलीनोमियल होगा, डिग्री के बेस पे हमारे पॉलीनोमियल्स 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स डिग्री के बेस पे 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, सेकंड इज लीनियर पॉलीनोमियल, थर्ड इज क्वाड्रेटिक, फोर्थ इज क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल, फिफ्थ इज बाई क्वाड्रेटिक। ये 5 टाइप के पॉलीनोमियल्स होते हैं। कांस्टेंट पॉलीनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, और लीनियर पॉलीनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री कितनी होती है इसकी 0, और लीनियर की हमारी होती है 1, और क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3 और बाई क्वाड्रेटिक की 4 डिग्री होती है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इनका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा x की स्क्वायर प्लस x, ये बताना है किस टाइप का पॉलीनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जो कितने डिग्री है इसकी 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 2 है, तो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो कैसा होगा क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक। सेकंड, एक्स माइनस एक्स की पावर 3 कितनी डिग्री है 3, 3 डिग्री है तो क्यूबिक,
थर्ड पार्ट। अगर आपको ये याद है तो आप इनके आंसर्स बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? दो, तो डिग्री दो है। अगर डिग्री दो है तो कैसा है ये? क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा वन प्लस एक्स, जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर कितनी है? वन। तो कैसा है? अगर पावर वन है तो डिग्री वन, तो डिग्री वन है तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट, थ्री टी कितनी डिग्री है इसकी? वन, तो डिग्री वन है तो इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। सिक्स्थ पार्ट, आर की स्क्वायर पावर दो है तो इसका मतलब डिग्री दो है इसकी, तो डिग्री दो है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। सेवंथ पार्ट, सेवंथ एक्स की पावर थ्री, तो वेरिएबल एक्स की पावर कितनी है? तीन, तो तीन है तो इसका मतलब डिग्री तीन हो गई इसकी, डिग्री तीन है तो कैसा है? क्यूबिक।